फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं रिव्यू करने जा रही हूँ किया शेट एरोमा थेरेपी की केराटिन हेयर सीरम एंड हेयर स्पा की रिव्यू। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और बेल बटन को भी प्रेस कीजिए नोटिफिकेशन के लिए। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते ही होंगे, सैलून जाके हेयर स्पा कराने के लिए टाइम भी लगता है, ऊपर से ये बहुत प्राइजी भी होता है, तो घर बैठे स्पा करना हर कोई चाहता है। इसकी प्राइस और क्वान्टिटी की अगर बात की जाए तो ये मैंने लिया है किया शेट एरोमा थेरेपी का केराटिन हेयर सीरम, क्योंकि मेरा हेयर बहुत ही डैमेज हो चुका है, इसके लिए बेस्ट रहेगा। इसके प्राइस है 175 रुपीज़ और ये 45 ml की क्वांटिटी पे आता है। पैकेजिंग की अगर बात की जाए तो बहुत ही स्टाइलिश पैकेजिंग में ये आता है और बहुत ही ड्यूरेबल और स्टडी पैकेजिंग है, कहीं से कोई लीक आउट नहीं है, इसे आप इजीली कैरी आउट कर सकते हो। और ये एक स्प्रे बॉटल है तो आपको हेयर पे अप्लाई करना बहुत ही ईजी हो जाता है। तो चलिए देख लेते हैं हेयर स्पा को। ये एक ब्लू कलर के कंटेनर में आता है जो कि प्लास्टिक का है और यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर ड्राई डैमेज्ड और स्ट्रेटन्ड हेयर। तो आप अगर स्ट्रेटनर यूज़ करते हो, कर्लर यूज़ करते हो तो हेयर डैमेज हो जाता है, उसके लिए परफेक्ट रहेगा। ये 45 ml की कंटेनर और इसकी प्राइस है 160 रुपीज़ जो पीछे लिखा हुआ है, पर थोड़ा सा मिट गया है। इसके एक बड़ा पैक भी अवेलेबल होता है जिसका प्राइस 499 रुपीज़ है। इसे आप ऑनलाइन से भी परचेस कर सकते हो या फिर आपके एरिया में लोकल स्टोर से भी बाय कर सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं इंग्रेडिएंट्स को। स्पा में जो जो इंग्रेडिएंट्स है वो सभी एसेंशियल ऑयल्स है, जैसे कि लवेंडर, रोजमेरी या फिर हिबिस्कस, हेना, ये सब चीज़ों की एसेंशियल ऑयल इसमें यूज़ किया गया है, जिससे कि आपके ड्राई और डैमेज हेयर बहुत ही क्योर हो सके और पूरी प्रॉब्लम दूर हो सके और आपके हेयर स्मूथ भी हो सके। तो इसे आपको रेगुलरली यूज़ नहीं करना है, इसे आपको मंथ में एक बार यूज़ करना है। टेक्सचर और फ्रेग्रेंस की अगर बात की जाए तो चलिए इसकी टेक्सचर देख लेते हैं। ये है स्पा फॉर ड्राई एंड डैमेज हेयर, एक सिल्की स्मूथ हेयर के लिए भी आता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। उसकी डिब्बी कुछ ऐसा दिखता है, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, इसके टेक्सचर आप देख सकते हो, ये क्रीमी स्पा टेक्सचर में आता है और इसके कलर आप देख सकते हो, ये पेल क्रीम कलर में बिल्कुल आता है, बहुत ही अच्छा लग रहा है दिखने में। तो चलिए झटपट से इसे अप्लाई करके दिखा देती हूँ मैं कैसे इसको अप्लाई करेंगे आप। अगर बात की जाए स्पा सीरम की टेक्सचर की तो चलिए इसे भी दिखा देती हूँ मैं। इसकी बॉटल मुझे बहुत ही अच्छी लगती है, ये बहुत ही स्टडी और ट्रैवल फ्रेंडली है। तो आप देख सकते हो ये बिल्कुल नॉर्मल सीरम जैसी ही टेक्सचर है, इससे आपकी हेयर बहुत ही सॉफ्ट और सिल्की दिखता है। और इसकी फ्रेग्रेंस की अगर बात की जाए तो इसमें बहुत ही सारे इन्फ्लुएंस्ड एसेंशियल ऑयल्स है जो आपकी हेयर से खुशबू निकलती है। तो चलिए एप्लीकेशन कर लेते हैं। इसके लिए आपको एक ग्लास बोल लगेगा और एक स्पैचुला लगेगा जिससे आप अप्लाई करोगे। तो चलिए निकाल लेती हूँ मैं। आज मैं मेरे हेयर की एक थोड़ा सा स्ट्रिप्स में ही अप्लाई करूँगी, पर आप जब करोगे पूरा हेयर में ही करोगे तो उसके हिसाब से आपको क्वांटिटी निकालना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा क्वांटिटी निकाल लेती हूँ, आप देख सकते हो ऐसे स्पैचुला से आपके हिसाब से एक क्वांटिटी आप निकाल लोगे। और जैसे ही आप स्पा क्रीम जैसे अमाउंट में लोगे वैसे ही अमाउंट में आपको स्पा सीरम भी इसमें लेना पड़ेगा। तो चलिए मैं स्पा सीरम भी इसमें ले लेती हूँ। क्वांटिटी आपको 1:1 रखना पड़ेगा जिससे कि ये थिक भी नहीं हो और थिन भी नहीं हो। तो वैसे ले लेकर इसे मिक्स कर लेना पड़ेगा अच्छे से, जैसे कि कोई लम्स इसमें नहीं रहे। अच्छे से मिक्स करने के बाद आप देख सकते हो कोई भी लम्प इसमें नहीं रहेगा और इसके टेक्सचर कुछ ऐसे हो जाएगा जिससे आपकी हेयर में अप्लाई करने में बहुत ही आसानी होगी। इसको अच्छे से आपको बीच करते रहना होगा तो कोई भी अगर लम्स क्रिएट होगा तो वो ब्रेकआउट हो जाएगा और ऐसे स्मूथ एक टेक्सचर में ये आ जाएगा। तो चलिए इसमें मैं एक ट्विस्ट ऐड करता हूँ, मेरे अपनी चॉइस में, या आप कर भी सकते हो नहीं कर सकते हो, वो है मैं एक विटामिन ऑयल इसमें ऐड करती हूँ जिससे कि आपकी हेयर सुपर सॉफ्ट हो जाता है। यस, मैं ये ट्राई कर चुकी हूँ और मुझे ये बहुत ही अच्छा लगता है, आप एक बड़ी ज़रूर ट्राई करके देख सकते हो। विटामिन ई ऑयल कुछ ऐसा दिखता है और ये आपको कोई भी मेडिकल शॉप में ईजिली अवेलेबल हो जाता है।
इसे आपको एक कैंची से कट करके इसमें ऐड कर लेना पड़ेगा। अगर आप पूरी हेयर कर रहे हो, अगर आपकी हेयर मीडियम साइज है तो आपको इसमें 3 टैबलेट्स इसमें ऐड करना पड़ेगा। अगर आप छोटी छोटी लेयर में हेयर कट किए हो और आपकी हेयर बहुत ही लो साइज की है तो इसमें आप 1 से 2 टैबलेट्स यूज़ कर सकते हो। आपकी इच्छा से आप कर सकते हो और फिर नहीं भी कर सकते हो। वैसे ये स्पा अकेले ही बहुत अच्छा है, इसे आप इसी ही यूज़ करके देख सकते हो, पर ये मेरा ट्विस्ट है, अगर आप चाहते हो तो कर सकते हो। तो इसको इसमें बहुत अच्छे से मिला लेना पड़ेगा और फिर एक थिक पेस्ट बन जाएगा, जैसे कि मैं दिखा रही हूँ, आपको बिल्कुल वैसा ही करना पड़ेगा। ऑयल डैमेज हेयर के लिए बहुत ही अच्छी होती है। डैमेज हेयर को ये बहुत ही अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट करता है, ऊपर से हेयर को नरिश भी करता है, सॉफ्ट भी करता है। इसे आप ऐसे ही यूज़ कर सकते हो, इसे आप कोई भी ऑयल के साथ मिक्स करके भी यूज़ कर सकते हो। इससे आपकी हेयर ग्रोथ भी बढ़ेगा और हेयर की हेल्थ भी अच्छा होगा। तो इसको आप ऐसे ब्लेंड कर लोगे, बहुत ही अच्छे से एक थिक पेस्ट जब बन जाएगा। तो मेक हेयर की स्ट्रिप्स में आज अप्लाई कर रही हूँ, आप आपके पूरे हेयर में अप्लाई करना, पूरे हेयर में, तो ही आपको रिजल्ट अच्छी मिलेगी। तो आप देख सकते हो मेरा हेयर कितना डैमेज हो चुका है। तो इसमें आपको थोड़ी थोड़ी सी प्रोडक्ट लेकर मसाज करते हुए सिर्फ हेयर के लेंथ में अप्लाई करना पड़ेगा। कभी भी हेयर स्पा को स्कल्प में अप्लाई नहीं करना, इससे आपको हेयर में बहुत ही फॉल आउट होंगी, क्योंकि इसके हिसाब से आपकी हेयर स्मूथ होता है, स्ट्रेट होता है। इसलिए सभी हेयर के लेंथ में आपको अप्लाई करना पड़ेगा, अच्छे से मसाज करना पड़ेगा, तभी आपकी हेयर अच्छे से स्मूद आउट होंगी और स्पा की जो काम है वो कर पाओगे। तो ऐसे आपको मसाज कर लेना पड़ेगा पूरी हेयर लेंथ में। आप देख सकते हो मैं जैसे कर रही हूँ, आप बिल्कुल वैसे ही करना। आपकी हेयर को आप 4 स्टेप्स में पार्टीशन कर सकते हो और फिर इसे अप्लाई कर सकते हो। पूरी हेयर को 4 स्टेप्स में अगर आप पार्टीशन कर लोगे तो आपको स्पा अप्लाई करने में बहुत ही इजी होगी। तो वैसे आप अप्लाई कर लेना जैसे मैं कर रही हूँ, आप देख सकते हो, और अच्छे से मसाज भी करना हैंड से, ताकि पूरी एसेंशियल ऑयल आपकी हेयर में जा सके। इसके बाद आपको इसे आधा घंटा या फिर 1 घंटा के लिए रख देना पड़ेगा। जैसे कि ये थोड़ा सा सूख जाए, फिर आपको इसे नॉर्मली वाटर से वॉश कर लेना पड़ेगा। और फिर अच्छे से टॉवल ड्राई कर लेना पड़ेगा आपको, जैसे कि हेयर सूख जाए। तो फ्रेंड्स, रिजल्ट आपकी आंखों के सामने है, आप देख सकते हो मेरा हेयर सुपर ग्लॉसी और शाइनी दिख रहा है। इसे आप मंथ में एक बार ही ट्राई कर सकते हो, इससे आपकी हेयर सुपर सॉफ्ट और सिल्की दिखने लगेगा, जो कि सभी चाहते हैं। तो इसे आप एक बार ही ज़रूर ट्राई करके देखें। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, पर्सनली ये प्रोडक्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, तो ही मैं इसके रिव्यू शेयर कर रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना और कमेंट करके बताना मुझे मत भूलना। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। बाय।